राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। सबसे पहले आप सभी को आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार के विषय में। तो देखिए, भादों का महीना प्रारंभ होते ही त्यौहारों की झड़ी लग जाती है ना। जैसे शुरू होने से पहले रक्षाबंधन, शुरू होते ही बहुला चौथ का व्रत, उसके बाद हर छठ का व्रत, और अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व आ गया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, प्रभु का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा और उसकी विधि क्या रहेगी, और व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना चाहिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, इसके क्या नियम होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से एक बार नम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में भारत के साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। सनातन परंपरा में भगवान कृष्ण को धर्म, करुणा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सखा और गोपियों के संग उनकी लीलाएं सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2024 में कौन सी डेट को और किस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव या फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाएगा। वर्ष 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त सोमवार। ध्यान रखिएगा कि 26 अगस्त सोमवार की सुबह 3 बजकर, जो कि रविवार, 25 अगस्त की रात्रि रहेगी और 26 अगस्त की सुबह रहेगी। सोमवार की सुबह होगी और रविवार की रात्रि में 3:39 से प्रारंभ होगा। इसका समापन होगा 26 अगस्त सोमवार की रात्रि 2:19 पर। भारतीय संस्कृति में उदयातिथि की मान्यता है, इसलिए इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। अब हम यहाँ पर यह भी बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 27 अगस्त को मनाएं, किंतु यहाँ पर ये बात आपको हम मतलब एकदम क्लियर कर देते हैं कि 27 अगस्त को अष्टमी तिथि नहीं रहेगी, उस दिन नौमी तिथि आ जाएगी। तो यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और त्यौहार करना चाहते हैं तो आपको 26 अगस्त दिन सोमवार को ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पूरे दिन और रात के 12 बजे के बाद यानी 2 बजे के बाद तक अष्टमी तिथि ही रहने वाली है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण का जन्म भादों महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। तो अष्टमी तिथि को ही ये त्यौहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के आराध्य हैं। आजकल तो हम लोग देखते हैं ना कि चारों तरफ लड्डू गोपाल को प्यार करने वालों की कमी नहीं है, हर घर में लड्डू गोपाल विराजे हैं। किंतु जिस प्रकार से, जिस प्रेम से आप लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, उनकी सेवा का भी उसी प्रकार ध्यान रखें, एक शिशु की भांति उनका पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। तो भगवान लड्डू गोपाल को, एक तो वो भगवान है, दूसरा एक छोटे बालक हैं, उसी प्रकार उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और बहुत अच्छे तरीके से उनकी जिम्मेदारियों को निभाएं। इस दिन
हम जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें, इस बारे में भी बात करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, भक्तजन व्रत रखते हैं और रात को जागरण करते हैं। घरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा की जाती है। बच्चे कृष्ण के रूप में तैयार होते हैं और मंदिरों में जाते हैं। मथुरा और वृंदावन में इस पर्व की छटा देखते ही बनती है। इस दिन देश भर से श्रद्धालु मथुरा वृंदावन आते हैं और अपने आराध्य देव के दर्शन करते हैं और साथ ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। दही हांडी कार्यक्रम भी होता है। इस दिन मंदिरों में दिव्य आयोजन होते हैं, मधुर संगीत बजता है, रासलीलाएँ होती हैं और भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देती हैं। किंतु मथुरा वृंदावन आने से पहले आप लोग सोच समझ कर आइएगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, अव्यवस्था फैले, उससे अच्छा है कि आप पहले आएँ या बाद में आएँ, या व्यवस्था को देखते हुए आएँ, क्योंकि मथुरा वृंदावन में तो प्रायः भीड़ रहती ही अधिकतर, किंतु जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर व्यवस्था में कोई अव्यवस्था ना हो जाए, कोई बाधा ना आ जाए, किसी प्रकार का पूजा पाठ में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपने घरों में रहकर ही भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भाव दिखाना चाहिए और व्यवस्था को बनाए रखें। कहने का मतलब बस इतना ही है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, इसलिए वहाँ पहले आप पता कर लें कि टिकट वगैरह शायद बुक होते हैं, मुझे पक्का तो नहीं पता है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि टिकट वगैरह बुक होते हैं, तो यदि जगह खाली हो तभी जाएं, अन्यथा ना जाएं, क्योंकि दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाते हैं, भीड़ भाड़ में दिक्कतें तो होती हैं बहुत ज़्यादा और व्यवस्था भी सारी ख़राब होती है। तो इसलिए अपनी आप देख लें कि किस प्रकार से आपको मैनेज करना है। अब बात करते हैं जो लोग पहली बार कृष्ण जन्माष्टमी कर रहे हैं, उनको शायद नहीं पता होगा कि इस व्रत को कैसे करते हैं, इस पूजा को कैसे करते हैं, तो बात कर लेते हैं। इस दिन प्रातः काल उठते ही स्नान करें और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि के पूजन के लिए भगवान कृष्ण का झूला लेकर आएँ, है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, उसे फूलों से सजा लीजिए। इसके बाद मध्य रात्रि में यानी रात के 12 बजने से पहले, थोड़ा पहले, ताकि 12 बजे आपकी मेन पूजा हो जाए, है ना, 12 बजे तक लड्डू गोपाल तैयार हो जाएं सुंदर तरीके से, भगवान श्री कृष्ण का दूध दही घी शहद बूरा पंचामृत एवं गंगा जल से अभिषेक करें। साथ ही उनको सुंदर नए वस्त्र पहनाकर उनका बहुत ही सुंदर श्रृंगार करें। पूरे मन के साथ शंख घड़ियाल बजाते हुए भगवान की पूजा करें। साथ ही मक्खन मिश्री पंजीरी का भोग अर्पित करें। अंत में आरती करके पूजन समाप्त करें और प्रणाम करके सुखी समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मांगें। इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं और 26 अगस्त 2024 को ही हम तो करेंगे भाई, और आप लोग भी कीजिएगा, क्योंकि उसी दिन हमें अष्टमी तिथि मिल रही है। तो आगे बहुत बात करेंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही सुंदर सुंदर जानकारी लेकर बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो या आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और ताकि हम ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।